पिछौर के नया चौराहा पर आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में पिछौर विधायक केपी सिंह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में आदिवासी भाई बहन व सहरिया क्रांति के अध्यक्ष संजय बेचेन व नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मंच संचालन एडवोकेट राकेश शास्त्री के द्वारा किया गया। खनियाधाना के जनपद सीईओ ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में कैंपस की बाउंड्री वॉल बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में सहरिया क्रांति के अध्यक्ष संजय बेचेन ने बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर सभी आदिवासी भाई बहनों को बधाई दी। पिछौर विधायक केपी सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सभी आदिवासी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी और आदिवासी वोट बैंक हर पार्टी चाहती है, आदिवासी वोट उन्हें मिले लेकिन आदिवासी मतदाता हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है, ये बातें उन्होंने कही। विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज में जागरूकता की कमी है, शिक्षित ना होने के कारण उनका फायदा हर कोई उठाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी आगे आए और अपने अधिकारों का उपयोग करे। इस दौरान कार्यक्रम का समापन किया गया। आदिवासी समाज उनके साथ रहेगी, मेरे भाइयों, अगर इमरत भैया साथ में हो तो क्यों नहीं होगा। अगर हमारे समाज को कोई अत्याचार करता है तो आपको साथ देना पड़ेगा। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, उतने हो गए। अरे भैया, पीकर के फूफा जी बहुत वंदना हो गए, लेकिन आपको भी समझना होगा। मेरे भाइयों, आज इस जयंती को मनाने में और आज जयंती के बनाने के पहले इन सब लोगों ने आज बिरसा मुंडा की मुंडा जी की ये मूर्ति के यहाँ स्थापित करने में अपनी पूरी सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसे ग्राम पंचायत नायगांव के सरपंच भाव सिंह आदिवासी जी, पूर्व सरपंच कमालपुर आदरणीय इमरत आदिवासी जी, पूर्व सरपंच पीपल खेड़ा गंडा जी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। कहाँ बिहार और अब झारखंड, अब वहां पे क्या हुआ हमारे आदिवासी समाज को कुछ नहीं पता। हकीकत कुछ लड़के जो पढ़ लिख गए हैं, उन्होंने पढ़ लिख के इस बात को समझा कि है क्या बिरसा मुंडा जी को लोग तो सरकारें मना रही उनकी जयंती, आज मध्यप्रदेश सरकार भी उस जयंती को मना रही, क्यों मना रही। ये आदिवासियों के समाज का बहुत बड़ा एक मतदाता वर्ग है। हर वर्ग, हर सरकार चाहती है, हर नेता चाहता है कि मतदाता उस पार्टी से छोड़ा रहे। परंपरागत रूप से हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आदिवासी समाज पूरी तरह कांग्रेस के साथ रहा है। मैंने ये कोशिश की कि आदिवासी समाज की जो संजय बेचन शिवपुरी में है कि आज आंदोलन चलाते हैं कि किसी आदिवासी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होगा, ये हमने कई सालों यहाँ चलाया और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ एकता दुक्का कोई जो बिल्कुल अबोध टाइप के हैं, जो कहते नहीं है उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन जिन ने उस अभियान में मेरा साथ दिया उन सबका सब कब्जे हट गए।